बहुत सारे फिश के रेसिपीज आपने ज़रूर से ट्राई किए होंगे, घर में बनाए होंगे, खाए होंगे। एक बार इस तरीके से भी बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत ही सिंपल वे में बेसिक मसालों के साथ बनती है ये रेसिपी, बट सुपर डिलीशियस है। सो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, नमस्कार, खुरुम जरी, वेलकम टू स्पून एंड बास्केट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाने के प्रोसेस में। रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 kg के करीब कतला फिश, और इसको मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है पहले। और उसके बाद अब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक डाली है, और इसको अच्छी तरीके से अपने हाथों से दोनों ही साइड ऐसे लगा लूँगी, और इसको मैं ऐसे ही रहने दूँगी कम से कम 5 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। 150 ml के करीब मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है। इस रेसिपी को बनाने के लिए आप मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ करें, बहुत अच्छा लगता है। तो ऑयल गर्म होने के बाद अब मैं एक एक करके सारे ही पीसेस को ऐसे डाल दूँगी। उलट पलट करके सारे ही पीसेस को मैंने बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक मैंने इसको फ्राई करी है। उसके बाद मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी ऐसे। करी बनाने के लिए मैं इसी ऑयल का यूज़ करूँगी। तो फिश को निकाल लेने के बाद मैंने थोड़ा सा ऑयल का अमाउंट कमा दिया है। अब हम ऐड कर देंगे 1/2 teaspoon जीरा, 1/2 teaspoon मेथी के दाने और 1 तेज़पत्ता, ऐसे तोड़ के डाल दें। और साथ में जा रही है एक बड़ा साइज़ का प्याज, बारीक कटा हुआ। प्याज को हम हल्का सा ट्रांसलूसेंट होने तक भून लेंगे। उसके बाद हम ऐड कर देंगे फ्रेशली कुटा हुआ अदरक और लहसुन का पेस्ट। आप चाहो तो रेडीमेड वाला जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हो, बट मुझे इस तरीके से ऐड करना ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद हम इसको एकदम गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे, और ऐड कर देंगे टोमेटो प्यूरे। मैंने 2 medium size का टोमेटो ऐड करी है। साथ में जा रही है नमक स्वाद अनुसार, 1 teaspoon कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/2 teaspoon रेड चिली पाउडर, 1/2 teaspoon जीरा पाउडर, 1 tablespoon से थोड़ा ज़्यादा धनिया पाउडर और 1/2 teaspoon हल्दी पाउडर। इन सभी चीज़ों को अब हम मिक्स कर लेंगे एक बार, और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। जितनी अच्छी तरीके से हम इस मसाले को पकाएंगे ना, उतना अच्छा टेस्ट हमारे फिश करी का आएगा। सो इसको ढक्कन लगा के मैंने बहुत अच्छी तरीके से 4-5 मिनट के लिए भून लिया है। साइड से थोड़ा थोड़ा तेल भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो अब इस स्टेज पर अब हम ऐड कर देंगे 1 tablespoon कसूरी मेथी। इस तरीके से हाथ से तोड़ के डाल दें, और इस मसाले के साथ इसको भी आप 1 मिनट के लिए ऐसे भून लीजिएगा। इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। और उसके बाद हम ऐड कर देंगे गरम पानी। 1.5 glass के करीब मैंने यहाँ पे पानी ऐड करी है। पानी में एक उबाल आने के बाद अब हम ऐड कर देंगे जो फिश हमने फ्राई करके रखे थे। मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा, और ढक्कन लगा के इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। 5 मिनट हो चुके हैं, फिश करी हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। फाइनली अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे 1/2 teaspoon फिश करी मसाला। इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है फिश करी में, और साथ ही गार्निश कर लेंगे इसको थोड़ा सा कटा हुआ धनिया देकर। अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ, और उसके बाद अब आप इसको ढक्कन लगा के कम से कम 3 मिनट के लिए रहने के लिए रख दीजिएगा। और बस रेडी है हमारा मसालेदार फिश करी।
रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा, शेयर करिएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।